नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फरुखाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बहेलिया गांव में बने अमृत सरोवर तालाब का शुभारंभ करने पहुंचे थे, साथ ही जन चौपाल लगाकर फरियादियों की समस्याओं को भी सुना। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का आज राज्य सम्मेलन, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। साथ ही सम्मेलन में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पेश हुए। ये सम्मेलन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हुआ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को दोबारा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सुल्तानपुर में आज भगत सिंह की जयंती पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुबह जिला पंचायत स्थित पार्क पर पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महमूद खान ने कहा कि सरदार भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी स्वभाव के चलते ब्रिटिश हुकूमत को ना को चने चबवा दिए थे। भारत की आज़ादी में इनका अतुल्य योगदान रहा है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार अचानक मोहनलालगंज स्थित खुजौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजना के कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी ने वहां के कार्यों का जायजा भी लिया। इन दिनों बारी बारी से यूपी पुलिस के कलाकारों की कलाकारी निकलकर सामने आ रही है। ताजा मामला बिजनौर का है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाली में हेड कांस्टेबल फिल्मी गानों पर वीडियो बना रहे हैं। मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। चंदौली के कटशिला में सेंट जॉन स्कूल के बच्चों से लदी बस अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। बस में लगभग 35 बच्चे सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। पीलीभीत के कस्बा जानाबाद में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। आपको बता दें कि घर का मालिक अपने पूरे परिवार के साथ ऊपर छत पर सो रहा था। सुबह जब सभी सदस्य सोकर नीचे आए, तब घर का दरवाजा खुला पाया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सर, करीब रात में तकरीबन 5 और 11 के बीच में चोरी हो गई सर, और सोने के जेवरात रखे तक मारे हुए। जब हम लोग सुबह 5 बजे उठे तो देखा किवाड़े खुली हुई थी कमरे की, और आके अंदर देखा तो अलमारी भी खुली हुई थी। उसमें करीब लगभग 2 लाख का जेवरात थे और पेन नकदी भी थी। दोनों चीज चोरी हो गई सर। अब चोरों का सर ये नहीं पता कहाँ के होंगे, फिलहाल जहानाबाद के या कहीं के, फिलहाल इतना तो नहीं कह सकते सर। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अकरौली पहुंचकर प्रशासन और संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ बाढ़ की चपेट में आए क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री बहुगुणा ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से बचाव संबंधित कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने डीएम से फोन पर बात कर योजना के तहत स्वीकृत 4.5 करोड़ की धनराशि को रिलीज करने के निर्देश दिए। सितारगंज दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज में जल्द पीजी कक्षाएं संचालित होंगी। मान्यता की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, अब छात्रों को पीजी के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों में सितारगंज डिग्री कॉलेज को बनाना है, इसके लिए और स्टाफ की तैनाती होगी। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के भी निर्देश दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नेता सदन भवन भुवन कापड़ी अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर उनके परिजनों को ढांढस बधाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और निष्पक्ष जांच कर जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जा सके, इसको लेकर सब परिवार के साथ खड़े हैं। चाहिए कहाँ का विधायक ये चेक करनी चाहिए, उसके संगीत का चेक करनी चाहिए, और साथ ही अंकिता को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए परिवार को, और उसके घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, जिससे कि उनको थोड़ा मदद हो सके, फौरी तौर पर मदद हो सके। देखिए इतना बड़ा घाव है, ये तो जीवन भर में भरने वाला घाव है। श्रीनगर में हॉस्पिटल में सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंकिता की मां कह रही है कि मेरी बेटी को मुझे एक बार भी देखने नहीं दिया।
वहीं उपजिलाधिकारी श्रीनगर अजवीर और SDM पौड़ी आकाश जोशी को अपना दुख सुनाते हुए कहा कि आज एक अंकिता के साथ हुआ है और आपकी भी बेटियां होंगे और उत्तराखंड की बेटियां कैसे देख पाएंगी, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी में गोविंद वन्य जीव विहार और लोक निर्माण विभाग ने अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इसको लेकर उप निदेशक DP बलूनी ने बताया कि वन विभाग की 0.9 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, साथ ही 4 से 5 क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। इसको लेकर अतिक्रमण की गई भूमि को सील किया गया है और क्षतिग्रस्त मुनेरों को भी रिपेयरिंग की जा रही है। साथ ही वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। आज तहसील मोरी के सांकरी गाँव में श्री हाकम सिंह, जो पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी है, उनके द्वारा किए गए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की चिन्हांकन किया गया है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उनके द्वारा जो है सरकारी भूमि पर रिजॉर्ट बनाया गया है। आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।